तो गाइस पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से एंटिटी 303 ने हमारा सीक्रेट बेस उड़ा दिया था और हमको लगा था कि आइस किंग उसी के अंदर मर गया और साइंटिस्ट का कुछ अता पता नहीं था तो हमको लगा वो भी उसी ब्लास्ट के अंदर मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अब साइंटिस्ट सीक्रेट बेस के साइड में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और जैसे ही उसको टीएनटी की आवाज आती है वो उस तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो गाइस यहाँ पे हमारी एक होप जो कि सुपर कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने की थी वो फिर से वापस आ चुकी थी। लेकिन क्या साइंटिस्ट और हम आपस में मिलकर सुपर कंप्यूटर तक पहुंच पाएंगे या फिर मल्टीवर्स हीरो ब्रायन की गैंग उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देगी जिसकी मदद से हम सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने वाले थे। तो गाइस इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, एम करते इस वाले एपिसोड पे 50,000 लाइक्स का। जितनी जल्दी आप लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दोगे उतनी जल्दी नया वाला एपिसोड आ जाएगा। एंड गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार क्या कर रहे हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और बेल के आइकन को ऑल पे कर लेना जिससे कि नए वाले एपिसोड जब भी मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड ये सब चीजें करने में आपको एक सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। एंड साथ ही शेयर कर देना इस वाली वीडियो को अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों के साथ। एंड गाइस इसी के साथ चलते हैं आज की इस वाली कमाल की वीडियो की तरफ। गाइज अब करे तो करे क्या भाई, साइंटिस्ट जो हमारी एक आखिरी उम्मीद थी जिसकी मदद से हम ये पता लगाने वाले थे कि आखिर सुपर कंप्यूटर कहाँ पे है और उसको कैसे उस तक पहुंचा जाए, वही नहीं रही। अब हमारी मदद करेगा कौन? सारे एंटिटीज जो हैं वो मल्टीवर्स हीरो ब्रायन की गैंग में है। भाई अब हम तीनों करेंगे क्या? भाई अब तो कोई रास्ता भी नहीं बचा हमारे पास, अब क्या करें? अब से हीरो ब्रायन के सामने घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं 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 भाई, उस बंदे के सामने हार तो नहीं माननी भाई। उसने हमारे इतने दोस्त मार दिए, हमारे एंटिटीज दोस्तों को हमसे छीन लिया, इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकते। बट अभी फिलहाल के लिए हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। हम करें तो करें क्या, नॉर्मल बंदे हैं हम, हमारे पास ना कोई पावर है ना हमारी गैंग में कोई एंटिटी है, लड़ेंगे कैसे भाई उनसे? ऋषभ अब एक ही तरीका है। क्या तरीका है भाई? ठीक है गाइस ध्यान से सुनना पांडा और ऋषभ। देखो हुआ क्या था, जब मैं मल्टीवर्स ट्रेवल करने गया था ठीक है, तब मैं दो यूनिवर्स की टेडी एसएमपी की गैंग से मिला था ठीक है, और उनमें से एक गैंग जो थी वो बहुत ज्यादा नूब थी तो वो शायद ही हमारी मदद कर पाएंगे, लेकिन दूसरी फ्यूचरिस्टिक टेडी एसएमपी गैंग अगर वो आ जाए हमारी मदद करने फिर तो भाई हम उनको हरा सकते हैं एक बार को। फिर भी उनकी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी मेरे हिसाब से, लेकिन तब हमारी टीम में कोई आ जाएगा। बट उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कैसे हम कि हमें उनकी जरूरत है अभी? भाई लेकिन एक बात बताओ, क्या? हम इतनी मुसीबतों में पड़ रहे हैं इस टाइम पे, इतनी मुसीबतें हमारे सामने, लेकिन मल्टीवर्स गॉड इस टाइम हमारे साथ क्यों नहीं है, हमारी मदद करने क्यों नहीं आ पा रहे? अरे यार ये तो भाई मैंने सोचा ही नहीं, मल्टीवर्स गॉड अगर तुम हमें सुन सकते हो तो प्लीज हमें तुम्हारी जरूरत है। भाई पता नहीं यार इसके पीछे भी कोई रीजन होगा जो कि हमें बाद में पता चलेगा, बट स्टिल हमारे पास कोई होप नहीं है। अब अगर साइंटिस्ट भी एक बार को जिंदा होती तो शायद मैं उससे बोलकर एक ऐसा डिवाइस बनवाता जिसकी मदद से मल्टीवर्स में हेल्प का एक सिग्नल भेजा जाए, लेकिन साइंटिस्ट भी नहीं रही तो ये काम हमारा कोई कर भी नहीं सकता। गाइस कोई और दोस्त बचा है क्या हमारा? नहीं भाई अभी तो कोई भी नहीं बचा। भाई करे तो करे क्या यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है उस मल्टीवर्स हीरो ब्रायन के ऊपर। भाई गाइस भागो। तुम्हारे पीछे एंटिटी, ओ ये कहां से आ गया? नहीं 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 भागो भागो, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। गाइस तुम कहां चले गए, तुम किस साइड भागे? मैं पीछे की तरफ भागे। अरे पीछे की तरफ गिर गए भाई पानी में। अरे यार भाई साथ में आना था। यार अब हम अलग अलग हो गए गाइस, एक तो वैसे हम तीन ही जने बचे थे और हम भी अलग अलग हो गए, अब क्या करें? भाई वैसे तो ठीक है ना, उसका ध्यान बढ़ जाएगा, वो सिर्फ ये देखता रह जाएगा कि किसके पीछे जाऊं, हम वैसे भी अलग अलग हो चुके हैं, फायदे में रहेंगे हम। हाँ वैसे बात तो सही है, उसको चूज करना पड़ेगा अब उसे मेरे पीछे आना या फिर तुम्हारे पीछे, और हमें अगर देखो हम में से कोई भी ट्रैप होता है ना तो फिर दूसरा जरा कैसे ना कैसे करके यार कुछ ना कुछ सोच ही लेना हेल्प करके। वैसे सारी उम्मीदें तो खत्म ही हो चुकी है टेडी एसएमपी को बचाने की। एंटिटी है कहाँ पे? एंटिटी हमारे पीछे तो आ नहीं रहा। व्हाट? लेकिन वो तो मेरे पीछे भी नहीं यार, मेरे पीछे आ रहा है गाइस, मेरे पीछे आ रहा है भाई यार। भाई मैं तो गया भाई, भागना पड़ेगा यार जल्दी, लेट्स गो। नहीं भाई वो तो मेरे पीछे आ रहा है, प्लीज तुम कोई सेफ जगह ढूंढो इतने, ठीक है? पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। भाई क्या करेगा यार मेरे साथ? नहीं अभी भी आ रहा है क्या भाई?
आ रहा है क्या भाई? वो मेरे हिसाब से मेरे ही पीछे आ रहा है, लेकिन दिख क्यों? ओ आ गया भाई, अपनी भागने वाली पावर यूज कर रहा है जो जिससे बहुत तेज भागता है। नहीं भाई बच के रहना इससे। अरे यार भाई बचू तो बचू कैसे, ये एंटिटी में लोड हो जाए। मरना मत भाई। यार शिट मैं एक्स्ट्रा आउट ले लेता हूं, मेरे पास एंचेंटेड गोल्डन एप्पल है। भाई अगर मर गए तो पता भी नहीं वापस इस वर्ल्ड में दोबारा आ पाओगे कि नहीं। भाई मैं इसको एक हिट नहीं मार पा रहा। अरे उससे फाइट क्यों ले रहे हो, एंटिटी है भाई, उससे वैसे भी नहीं मार पाओगे तुम, भागो। भाई लेकिन तेज भाग भी तो नहीं सकता, इसकी स्पीड इतनी तेज है भागने की मैं कहीं पे भी पकड़ लेगा। भाई ये पूरे एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को एक सेकंड में पार कर सकता है, इतनी स्पीड है इसकी। यार इसको एक हिट नहीं मार पा रहा भाई, इतनी ज्यादा तगड़ा जिगल दे रहा है ये। शिट भाई मारने का ट्राई मत करो, एक काम करो उसको चकमा देने का ट्राई करो और निकल जाओ वहां से। यार भाई चकमा देने के लिए कुछ केव वगैरह भी तो नहीं चाहिए, मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं है कि मैं कुछ एमएलजी वगैरह करके बच जाऊं। यार क्या करूं, इसकी सोल्ड से बट मेरे को डैमेज कम हो रहा है क्योंकि मेरे पास डेडलॉर्ड का दिया हुआ आर्मर है और उसकी दी हुई सोल्ड है, तो देखता हूं इसकी सोल्ड से डैमेज हो रहा है। डेडलॉर्ड वाली सोर्ड से डैमेज तो हो रहा है इसे, क्या लड़ू क्या मैं इससे? नहीं नहीं नहीं, इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। गाइस मैं टेडी एसएमपी के पास पहुंच गया वैसे। भाई वहां पर तो और खतरा होगा। हां मैं को निकलना चाहिए। शिट 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 ओके भाई ये मेरे पीछे आ रहा है अभी भी। यार कैसे चकमा दूं इसको कैसे? कुछ है क्या? नहीं वहाँ पे कोई बड़ी सी केव वगैरह ढूंढो ना। यार केव वगैरह भी नहीं है, ये मेरे को धड़ाधड़ मारे जा रहा है। ओके मैंने इसको डैमेज दिया, ठीक है भागो 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 भागो। भाई ब्लॉक्स है तुम्हारे पास? ब्लॉक्स भाई कुछ नहीं है यार, मेरे को कौन सा पता था ये एंटिटी वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधा मेरे पीछे आएगा। अरे यार कैसे बचोगे अब? भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा टेडी, कुछ सोच। ओके भाई मैं किसी केव में गिर गया हूँ। और यहाँ पे बहुत छोटी सी केव है, ये बहुत छोटी, पता नहीं फंस गया क्या मैं इसमें। यहाँ पे कुछ डर्ट्स हैं, तो चलो गाइस यहाँ से मैंने कुछ डर्ट कलेक्ट कर लिया। लेकिन एक सेकंड भाई एंटिटी मेरे पीछे नहीं आ रहा, व्हाट भाई क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पता वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा हो। यार कहाँ फंस गया भाई मैं, ये सब होना भाई उस मल्टीवर्स हीरो ब्राइन की वजह से हो रहा है ये सब, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार उसका। हेलो ऋषभ और पांडा, हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। भाई मैं ना अब मैं क्या करूँ, देखो मैं केव में ऊपर एंटिटी मेरे पीछे भी नहीं आ रहा, तो क्या मेरे को बाहर निकलना चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पे भी तो नहीं रह सकता क्योंकि मैं टेडी एसएमपी के बहुत ज्यादा पास हूँ, अगर वो पूरी की पूरी गैंग लेके आ गया मल्टीवर्स हीरो ब्राइन तो दिक्कत हो जाएगी। अरे लेकिन एंटिटी ऊपर ही खड़ा रहा तो भाई फिर तो वो मार भी सकता है ना। मतलब बात तो ये भी सही है, बट मैं इस केव में भी तो सेफ नहीं हूँ, मेरे को निकलना तो पड़ेगा ही, हमें मिलना तो पड़ेगा ही अगर कुछ ना कुछ सोचना है तो। देखो ना वहाँ केव के अंदर से कोई दूसरा रास्ता मिल जाए तो। नहीं मैं आगे चेक करके आ गया, केव पूरी की पूरी भाई बंद पड़ी है पूरी। तो एक काम करो, सबसे पहले तो कुछ ब्लॉक्स इकट्ठे करो जिससे कि तुम जल्दी जल्दी भाग पाओ और थोड़ी बहुत एमएलजी वगैरह कर पाओ। चलो मेरे पास 33 हो गए हैं, शायद तुमने से काम हो जाना चाहिए। वैसे भी अगर उसने भाई ठान लिया ना एक बार मेरे को मारने का एंटिटी ने, तो भाई फिर तो वो मार के छोड़ेगा, फिर तो बचना मुश्किल है। अभी बस उनका मेन मोटो मेरे हिसाब से यही है, हमको ट्रैप करना इस बार ऐसी जगह पे, हम तीनों को ट्रैप करना जहाँ पे मतलब कोई सोच ही नहीं सकता, और हमें निकालने वाला तो अब कोई बचा ही नहीं है। हमको कुछ भी करके संभाल के रहना पड़ेगा अभी। गाइस तुम प्लीज कोई सेफ जगह पहुंचो, और मैं फिलहाल की बात करें तो बाहर निकल चुका हूँ, बट मेरे को एंटिटी कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। ओके गाइस मैं काम करता हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, ठीक है? एंटिटी नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रहा हूँ थोड़े सेफ्टी के साथ आना। ठीक है मैं भाग के आ रहा हूँ। गाइज एक काम करो, तुम भी धीरे धीरे वहीं पे आना स्टार्ट कर दो जहाँ पे जहाँ से हम लगे हुए थे। पीछे देखो भाई, ऋषभ भाई पीछे देखो भाई, क्या हुआ ये यहाँ पर? शिट एंटिटी यहाँ पर आ गया भाई। ऋषभ भाई भागो भाई भागो भाई, मेरे को तो लगा ही था वो मतलब वो तुम्हारे पीछे आया हुआ, क्योंकि मेरे पीछे नहीं है अभी वो। ओ शिट गिरा, नहीं 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 नहीं। अरे यार गाइज बच के यार, प्लीज ट्रैप मत हो जाना यार प्लीज। ऋषभ भाई काम करो, तुम वो वाली जगह पे चले जाओ, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है साइड से कंफ्यूज हो जाए भाई, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। गाइज ध्यान से गाइज अकेला पड़ जाऊंगा मैं। ठीक है टेडी तुम आते रहो वैसे इधर की साइड। मैं तो पहुंचने वाला हूँ भाई, तुम देखो यार ध्यान से प्लीज यार, ट्रैप मत होना यार इस एंटिटी के बच्चे को। यार क्या बताओ, एक सेकंड में इधर से उधर पहुंच जाता है। एक सेकंड कहाँ चला गया? चला गया तुम्हारे पीछे? नहीं मेरे पीछे भी नहीं है वो, वेट। नहीं नहीं शायद तुम्हारी तरफ आ रहा होगा टेडी, भागो। अरे यार भाई तुम डरा क्यों रहे हो भाई? भाई नहीं अभी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मेरे पीछे तो नहीं आ रहा अभी।
भाई ये मेरे पीछे आ गया, फिर से आ गया। हाँ ये मेरे पीछे आ गया फिर से। शिट 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 भाई ये मेरे पीछे आ रहे यार, करूँ तो करूँ क्या, एक सेकंड नहीं। भाई मेरे चारों तरफ भाई इसने बीम मार दी, एक सेकंड। What? What, guys, मेरी आंखों के सामने साइंटिस्ट है, तुम यकीन नहीं करोगे। क्या बात कर रहे हो भाई, साइंटिस्ट भागो। अरे साइंटिस्ट जीता है, साइंटिस्ट क्या बात कर रहे हो, भागो एंटिटी है। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, साइंटिस्ट मेरी मेरे साथ कैसे, साइंटिस्ट तुम बची कैसे, लेकिन उससे पहले जल्दी भागो, हमें भागना पड़ेगा भाई। लेकिन साइंटिस्ट तो मर गई थी, ऐसे जिंदा कैसे, पता नहीं भाई, अभी एंटिटी खुद सो खड़ा है वहाँ पे भाई, आई नहीं रहा वो। चलो 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 साइंटिस्ट जल्दी चलो, जल्दी जल्दी किसी सेफ प्लेस पे जाओ, जल्दी जाओ भाई, जा रहा हूँ, साइंटिस्ट जिंदा है गाइस, लेट्स गो। नई होप मिल गई हमको भाई साहब, फाइनली लेट्स गो। यस जल्दी काम बताइए भाई, चलो हम लोग भी उनके साथ चलते हैं भाई। हाँ हम किसी सेफ जगह पहुंच के तुम्हें कुछ बताएंगे, ठीक है। तब तक तुम एक काम कर सकते हो, जहाँ पे हम थे वहीं पे आ जाओ, वहाँ पे एंटिटी है, तुम उसका ध्यान बैठा देना प्लीज यार, वरना वो हमारे पीछे आएगा। ठीक है चलो पांडा, चलो चलो जल्दी चलो 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 भाई। तुम कितनी दूर हो उस जगह से जहाँ पे हमने बैठे थे, हम बस थोड़ी सी दूर है, बस पहुंचने वाले वहाँ पे हम। ठीक है साइंटिस्ट जल्दी, तुम्हारे पास कोई सेफ जगह है तो मेरे को लेके चलो, जल्दी जल्दी चलो। ठीक है गाइस, मैं साइंटिस्ट के पीछे पीछे जा रहा हूँ और मैं तुम्हें पोस्ट से बता दूंगा कहाँ पे आना है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है हेलो ऋषभ पांडा। हाँ भाई हाँ। भाई पता नहीं क्यों साइंटिस्ट मेरे को वापस से सीक्रेट बेस की तरफ लेके जा रही है, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था ना। पता नहीं, तो फिर एक काम करते हैं, हम भी सीक्रेट बेस के पास पहुंचते हैं, तुम भी आ जाओ। ओके ठीक है, हाँ सीक्रेट बेस की तरफ आओ तुम। ओके मैं ऑलरेडी सीक्रेट बेस की तरफ पहुंच चुका हूँ। हेलो हेलो टैडी, हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हमेशा हम डायरेक्ट जाते थे सीक्रेट बेस पे, अभी यहाँ पे हम ग्रेव पे आ चुके हैं, लेकिन ग्रेव से सीक्रेट बेस का रास्ता हमको याद नहीं है किसी को भी। अरे यार भाई साइंटिस्ट को तो यार मैं अकेला नहीं छोड़ सकता भाई। भाई लेकिन फिर हम कैसे आएंगे, पांडा को भी रास्ता याद नहीं है। अरे यार भाई ये तो सीन हो, काम करो ना, साइंटिस्ट को वहाँ पर छोड़ दो और फिर हमको लेने आ जाओ। यार गाइस लेकिन एक दिक्कत हो रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो, अभी एंटिटी आने ही वाला होगा और अगर वो आया तो इस बार उसको शांत कैसे करेंगे भाई, इस बार तो साइंटिस्ट भी हमारे साथ। अरे टैडी भाई सुनो ना। हाँ अरे तुमने पता है एक बार बताया था कि हीरो ब्रेन तो ऐसे कुछ भी सोचे बिना किसी को भी टारगेट को मार देता है, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन एंटिटी वो चीज नहीं करता ना, एंटिटी हर बात को सोचता है और उसके बाद अप्लाई करता है वो चीज, ठीक है? तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि एंटिटी को हम कुछ ऐसी चीज दिखा या कुछ भी करे जिससे वो सोच में पड़ जाए और जिससे हमको थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। वैसे पांडा की बात तो सही है क्योंकि हीरो ब्रेन तो सीधा मतलब बिना कुछ सोचे समझे तबाही मचाना स्टार्ट करता है, लेकिन एंटिटी एक बार दिमाग से काम लेता है तो उसको कंफ्यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऋषभ तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? भाई मेरे को तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ पुरानी यादें दिखानी होंगी हमें उसको। कोई ऐसा कोई बिल्ड वगैरह जो तुमने एंटिटी के साथ बनाया ऐसा कुछ है? यार बिल्ड बनाए तो है लेकिन बिल्ड तक लेके कैसे जाएंगे, वो हमारी बात सुनेगा ही नहीं। हाँ बात भी वो ठीक है, और साथ ही हम उसको कुछ बोलेंगे तो भी वो सुनने नहीं वाला क्योंकि हमने ट्राई करके देख लिया है ऑलरेडी, तो अब कुछ उसको दिखाना ही पड़ेगा भाई। हमको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो लाइक इंस्टेंटली वो देख पाए। ओके तो एक तरीका है मेरे पास। क्या? जो ना हम उसको कोई एक पुरानी इमेज दिखाए जिसमें वो हमारे साथ था। हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, सही है ना। लेकिन 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 एक दिक्कत है, ये हो सकता है कि उसको याद दिला भी ना पाए और वो और ज्यादा भड़क जाए। भाई देखो अब रिस्क तो लेना पड़ेगा यार, रिस्क तो हर चीज में, वो वैसे भी हमें आके वैसे भी मार देगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा वो अभी तक। अब इतना टाइम मिल गया है तो क्यों ना ये भी ट्राई कर ही लिया जाए, बताओ। लेकिन एक बात बताओ, ये सब हम लाएंगे कहाँ से और दिखाएंगे कैसे उसे? ये भी दिक्कत है। साइंटिस्ट तुम कुछ कर सकते हो क्या? तुम एक ऐसी फोटो बना सकते हो जिसमें हमारी पुरानी यादें हो, जिसमें मैं ऋषभ हीरो ब्राइन वगैरह साथ में हो, कुछ ऐसा बना सकते हो? तुम्हारे पास कुछ ना कुछ मशीन वगैरह कुछ पड़ी हो जिसे तुम बना सकती हो, जल्दी बताओ, बना सकती हो? ओके गाइस साइंटिस्ट बोलिए वो बना सकती है। ओ तो फिर तो सही है ना भाई, अपना काम हो जाएगा। ठीक है तो फिर साइंटिस्ट तुम फटाफट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है? और मैं जाके ऋषभ और पांडा को अभी लेके आया, ठीक है? तुम यहाँ से हिलना मत, यहीं पे मिलना, ठीक है? वो ज्यादा दूर नहीं है। ओके गाइस मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। यो गाइस ये रहे, देखो पीछे देखो पीछे 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 पीछे, चलो चलते चलो चलो लेट्स गो। ठीक है लेकिन एक सेकंड, उससे पहले भाई ये तोड़ो, साइंटिस्ट जिंदा है भाई, सिर्फ किंग को कुछ हुआ है, साइंटिस्ट जिंदा है। चलो चलें, चलो 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 आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो गाइस हम फाइनली पहुंच गए, एक सेकंड ओ भाई भाई पहले एक सेकंड गाइस 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 आगे मत जाना, आगे मत जाना, अभी कहीं वो भड़क रहा है। हम लोग पीछे
पीछे रहो पीछे रहो। साइंटिस्ट जो मैंने तुम्हें, ओ सर लगता है साइंटिस्ट ने वो फोटो बना ली। साइंटिस्ट जल्दी फोटो फेंको, साइंटिस्ट फोटो फेंको जल्दी, इससे पहले वो कुछ करे। उसने लिया एंटिटी, लिया यस, काम बन रहा है गाइस, काम बन रहा है। ओके लेट्स सी भाई, प्लीज काम बन जाए कुछ। ओके वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो उसने दोबारा देखा भाई। ये ये क्या हो रहा है, ये भाई क्या रहा है, ये क्या हुआ, व्हाट, अरे भाई गाइस ये कहां चला गया, ये हुआ क्या, उसने दो बार फोटो को देखा, उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन याद नहीं कर पा रहा। मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगा भाई। मेरे साथ से गाइस प्लान बन चुका है, बट मुसीबत अभी तक टली नहीं है। साइंटिस्ट को तुमने बोला था ना वो सुपर कंप्यूटर ढूंढने के लिए कोई ऐसा डिवाइस बनाया जिससे हम सुपर कंप्यूटर ढूंढ सके। साइंटिस्ट को पता होगा, साइंटिस्ट तुमने बनाई कैसी मशीन, ऐसे कुछ बनाया क्या, बना लिया नहीं, क्या दोनों बोल रही है, अरे ये क्या कहना चाहती है भाई। एक सेकंड मैं समझ गया, बन गई है लेकिन थोड़ा काम बाकी है। यस यस यार, लेकिन ये भी तो दिक्कत है गाइस। अब देखो एंटिटी तो चला गया ठीक है, और अब वहाँ पे मल्टीवर्स हीरो ब्राइन बैठा होगा, वेट कर रहा होगा कि कब एंटिटी हमें ट्रैप करके उसके पास ले जाएगा ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से टाइम काफी ज्यादा हो गया, और इससे पहले मल्टीवर्स हीरो ब्राइन किसी दूसरे एंटिटी को भेजे लाइक हीरो ब्राइन डेड लोड वगैरह को, तो भाई वो तो भाई बिना सोचे समझे तबाही मचा के और भाई ले जाएंगे हमें, तो कुछ करना पड़ेगा। और अभी के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, क्या तुम एक काम करो, तुम दोनों जाओ साइंटिस्ट के साथ ठीक है, और साइंटिस्ट के साथ रहना, उसे कुछ भी मत होने देना ठीक। और साइंटिस्ट का जैसे ही उस मशीन पे काम हो जाएगा, तुम सीधा निकलना उस मशीन के थ्रू सुपर कंप्यूटर के पास में, और सुपर कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दे। और मैं जा रहा हूँ टेडी एसएमपी की तरफ मल्टीवर्स हीरो ब्राइन का ध्यान भटकाने। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे मत जाओ भाई, ये तो बहुत डेंजरस है। अरे भाई सुनो, मेरे को जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गया तो उसका सारा फोकस हम पे आएगा, तो कोई एंटिटी आके हम सबको ट्रैप करे, इससे अच्छा है कि मैं अकेला ट्रैप हो जाऊँ। और अगर तुमने एक बार सुपर कंप्यूटर को तोड़ दिया और हीरो ब्राइन एंड डेड लोडर एंटिटी को याद आ गया कि हम कौन है, तो भाई वो हमारी मदद करने के लिए वैसे भी आ जाएंगे। तो हमें बस कैसे करके उस सुपर कंप्यूटर को तोड़ना है, समझ रहे हो भाई। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को सेफ नहीं लग रहा फेक हीरो ब्राइन के पास जाना। भाई मेरे को ही पता है सेफ नहीं है, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमें यही करना पड़ेगा गाइस। प्लीज बस तुम पूरा ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दो तुम ठीक है। प्लीज साइंटिस्ट बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक, मैं जा रहा हूं टेड एसएमपी की तरफ ठीक है, मेरे को ध्यान भटकाने पड़ेगा। एंटेंटेड पर रख लो थोड़े बहुत। ओके मेरे पास आते 58 थे, पर ठीक है चलेगा। चलो मैं जाता हूं गाइस, हां ओके तुम जल्दी जाओ, हां चलो साइंटिस्ट हमको ले चलो वहां पर। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं टेडी एसएमपी पे, और भाई मेरे रॉकेट्स भी खत्म हो गए, और मैं आर पार शायद इसकी मदद से चला जाऊं। भाई नहीं जा सकता यार। ओके तो मैं नीचे से जा सकता हूँ क्या, प्लीज ये काम कर। ओके इसने काम कर लिया, एंड लेट्स गो। चलो गाइस अब मैं फटाफट चलता हूँ। ओके शिट रॉकेट्स खत्म, और मैं पहन लेता हूँ आर्मर एंड लेट्स गो। अरे भाई एक सेकंड, अरे यार भाई ये बंदा क्या छुप के बैठ, इसको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ भाई, इसको कैसे पता मैं इधर से आऊंगा। शिट भाई यार यार इसका कुछ परमानेंट जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा यार, भागना पड़ेगा वापस से अब। शिट 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 शिट, अब ये मेरे पीछे तो गाइस पक्का ये बात मल्टीवर्स हीरो ब्राइन को पता होगी, और उसने इसको यहाँ पे भेजा होगा, मतलब कि अभी के लिए मल्टीवर्स हीरो ब्राइन का पूरा ध्यान मेरे ऊपर है। यार मैं निकल भी नहीं सकता, मेरे पास यार ब्लॉक्स खत्म हो गया। शिट 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 शिट, चलो 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 गाइस मैं निकल चुका हूँ बाहर। चलो ये कहाँ गया भाई, आ रहा इसकी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। ओ नो इसने मेरे को वापस गिरा दिया, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके ये ऊपर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा है भाई। थे इसके पास ये सोड ना होती ना तो इसको मैं बताता। खैर फिलहाल की बात करें तो गाइस मेरे हिसाब से मेरे को एसएमपी के पास तो नहीं लड़ना चाहिए, मेरे को इसको थोड़ा दूर ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर पास लड़ता रहा तो क्या पता कोई एंटिटी आके मेरे को ट्रैप कर दे। तो एक काम करता हूँ इसको दूर ले जाता हूँ थोड़ा। आजा बेटा आजा, तेरी ऐसी की तैसी, तूने ऋषभ और पांडा को धोखा दिया था ना हमारी टीम में रह के, और सारी इन्फॉर्मेशन तूने ही निकलवाई है भाई, इसी की वजह से आइस किंग मरा है। इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। आजा बेटा तू आजा, आजा 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 बेटा, तेरी ऐसी की तैसी। ये मरता भी नहीं है, ये मरता भी नहीं है, ये मरे मरे ना तो इस मजा भी आई, लेकिन ये मरता ही नहीं है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग आर्मर है इसके पास, क्या बताओ। बस इसको दूर ही ले जाता हूँ सबसे पहले, इसको किसी ट्रैप वगैरह में कुछ चलाकी से मारना पड़ेगा गाइस मेरे को, तभी कुछ काम बनेगा। इसको ऐसे तो नहीं मार सकता, क्योंकि इसके पास जो आर्मर है ना उससे इसको बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ता, मतलब इसको दिखता तो है डैमेज पड़ रहा है, बट इसको डैमेज पड़ता नहीं है एक्चुअल में।
क्या ये आ रहा है क्या मेरे पीछे? आ जा बेटा भाई, आज हो ही जाए, आज इस एसएमपी में एक ही टैडी रहेगा, चाहे मैं रहूंगा या फिर ये रहेगा भाई, आज ये किस्सा ही खत्म करना है मेरे को। लेट्स गो, आजा बेटा, तुमने बहुत हमारी नाक में दम किया, जिस तरीके से फेक ऋषभ और फेक पांडा को भाई उनको ठिकाने लगाए ना, आज तेरे को भी ठिकाने लगाऊंगा। भाई ये मेरे को सिर्फ एक हिट मारता है, मेरे को उसको तीन चार हिट मारने पड़ते हैं। शिट, ओके, खाना खा रही है, मतलब इसकी हेल्थ कम हुई। मेरी ऐसी की तैसी, कहाँ गया ये? भाई मेरे को ना कुछ ऐसी जगह लड़ना पड़ेगा जिस तरफ मेरे पीछे कुछ दीवार वगैरह हो, तो मैं पीछे ही नहीं जाऊंगा। ओके ठीक है, ओके मैंने भी इसको मारा, काश मेरे को एक बारी वाली सोर्ड मिल जाए ना भाई, फिर उसको बताता मैं। ओके लेट्स गो, ठीक है। ओ शिट भाई, बच गया, ओ माय गॉड भाई, तगड़ा आर्मर था इसलिए बच गया, ये ऊपर खड़ा हो गया। ठीक है, आ रहा बेटा, डर के तो नहीं भाग रहा, टेंशन मत ले भाई। इसके पास ये सोर्ड ना होती ना उसकी दी हुई, तो इसको बताता मैं। ओके आजा बेटा, तू थोड़ा और दूर। ओ शिट, हम तो टेडी एसएम के पास वापस लेके जा रही है मेरे को। नहीं नहीं, मेरे को भागना पड़ेगा, ये मेरे को टेडी एसएम के पास वापस लेके जा रहा था। शिट, बच गया। ओके आजा बेटा, इस बार तेरे को थोड़ा दूर लेके जाऊंगा, आजा 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 आजा। तुमने हमारी एसएमपी पे भाई कब्जा कर रखा है, हमारी एसएमपी के लिए हम ही को लड़ना पड़ रहा है। अब तेरे को लेके चलता हूँ मैं थोड़ा ऊपर। भाई अब हम काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, अब लड़, आजा एक सेकेंड। ये मेरे से लड़ नहीं रहा, एक सेकेंड। What? भाई इसने आर्मर वगैरह सब उतार दिया, एक सेकंड, ये कर क्या रहा है? नहीं 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 नहीं, तो ये पक्का इसकी कोई चाल है, इसमें पक्का कोई चाल है, इसने अपनी सोर्ड भी मेरे को दे दी, पक्का इसमें इसकी कोई चाल है। भाई इसने सब कुछ दे दिया, एक सेकंड, भाई ये चल क्या रहा है? तूने पहले मेरे इससे सब कुछ गिरा दिया, ले लेता हूँ। अब बेटा अब तो बच के दिखा, आज तो तू गया। सुन अब ध्यान से, अब बता ये सब तू कर क्या रहा है, ये इसमें कोई तेरा प्लान है ना? तेरे पास पक्का दूसरा आर्मर पड़ा होगा। नहीं क्या, ये टैडी एसएमपी की तरफ इशारा कर रहा है? एक बात बता फेक टैडी, सुन तू ये, ओके ये शायद ऐसा बोल रहा है, और थोड़ा दूर चलो। भाई ये ऋषभ और पांडा बोल रहे थे कि ये उनकी टीम में आया था और उनकी मदद वगैरह भी करी थी, बट एकदम से ये फिर इसने हमें धोखा भी दे दिया था, लेकिन अभी ये फिलहाल वापस से मेरी टीम में हो चुका है। ये चल क्या, ये करना क्या चाह रहा है? भाई तुमने एक बात बता फेक टैडी, तूने ऋषभ और पांडा की टीम ज्वाइन करी थी है ना, उनको तुझ पर पूरा भरोसा था, फिर तूने धोखा क्यों दिया, तूने धोखा क्यों दिया? बट क्या तुम टेडी एसएमपी की तरफ, मल्टीवर्स हीरो ब्रेन की तरफ इशारा कर रहे हो क्या? ओके एक सेकंड, गाइस ये क्या कहना चाह रहा है? ओके मैं समझ गया, ओके जब से तुमने ऋषभ और पांडा की टीम ज्वाइन करी थी तब से तुम हमारी तरफ थे, बट मल्टीवर्स हीरो ब्रेन की वजह से तुमको हमें मारना पड़ रहा था है ना, यही? ओके समझ गया, और ओके इसने समझा। अभी जैसे हम टेडी एसएमपी से दूर आए भाई, इसने मेरे को मारना बंद कर दिया, क्योंकि जब तक ये टेडी एसएमपी के आसपास रहता है इसको मारना पड़ता है, वरना मल्टीवर्स हीरो ब्रेन को पता चल जाएगा, यही बात है? ओके तो अभी क्या करना है, क्या तुम उसका थोड़ी देर प्लीज और ध्यान भटका सकते हो, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को अपनी गैंग में वापस से लेना है, क्योंकि जब तक वो सुपर कंप्यूटर हो रहा है तब तक हमारे दोस्तों को याद ही नहीं है कि हम कौन है, तो प्लीज मेरी मदद करो, ये लो अपना सामान तुम वापस लो, हम फिर से लड़ाई कंटिन्यू करते हैं। चलो इस बार एक्टिंग वाली रहेगी, ठीक है, हमें थोड़ी देर तक उनको मतलब कि भटका के रखना है, ठीक है, तैयार हो तुम? चलो एंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा लो, बट तुम्हारी सोर्ड मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है यार। चलो तैयार हो, लड़ते हैं, 3-2-1 स्टार्ट। भाई शिट, बच गया भाई, एंचेंटेड गोल्डन एप्पल की वजह से बच गया, और पता नहीं कब तक लड़ना पड़ेगा मेरे को भाई। लेकिन एक सेकंड, एक चीज तो मैंने पूछी नहीं कि जब मशीन ऑन होगी तो मेरे को पता कैसे चलेगा, ये तो मैंने बात ही नहीं करी थी। तो ये फेक टैडी आ रहा है, ठीक है, आ जाओ आगे चलते आ जाओ, ठीक है गाइस, मेरे को पता कैसे चलेगा, लेकिन लेट्स गो। भाई आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आ जाओ, एक सेकंड। व्हाट भाई, सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ कैसे हिल रहा है ये? एक सेकंड, सब कुछ शांत हो गया। फेक टैडी, क्या मल्टीवर्स हीरो ब्रेन कुछ कर रहा है? क्या मल्टीवर्स हीरो ब्रेन? नहीं, इसका मतलब ये हो सकता है कि फाइनली साइंटिस्ट ने उस मशीन को ऑन कर दिया, तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा टैडी, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। फेक टैडी, क्या तुम हीरो ब्रेन को वहां पे थोड़ी देर और किसी चीज में उलझा के रख सकते हो? प्लीज, मैं इतने जाकर सुपर कंप्यूटर को तोड़ दूंगा। तो एक काम करो, सुनो, मेरे पास ना रॉकेट्स खत्म हो गए जिनकी वजह से मैं वापस जा पाऊँ, तो तुम्हारे पास कुछ रॉकेट्स पड़े हैं क्या? प्लीज मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज तुम्हारे पास कुछ रॉकेट्स वगैरह पड़े हो तो मेरे को दे दो।
प्लीज यार मल्टीवर्स जीरो प्लान को थोड़ी देर और जाकर रखो, इतने हम जैसे सुपर कंप्यूटर को तोड़ेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यार टैडी भाई, यार तुम कितने अच्छे थे यार। सॉरी यार फेक टैडी, मैंने तुमको बहुत बुरा भला बोला था यार भाई, इतना बुरा बोला बंदे को, लेकिन फिर भी वो हमारी मदद कर रहा है। फाइनली लगता है उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो किसी दूसरे के यूनिवर्स में आके ये सब कर रहे हैं, और उसको पता चल गया कि भाई ये गलत है, इसलिए शायद वो हमारा साथ दे रहा है। बट भाई फाइनली हमारा काम हो गया, अब मैं वापस से जा रहा हूँ वहाँ पे, लगता है साइंटिस्ट ने उस मशीन को ऑन कर दिया, बस प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलो गाइस मैं फटाफट पहुँचता हूँ वहाँ पे। हेलो ऋषभ और पांडा, हेलो आवाज आ रही है, मैं वापस आ गया। ऋषभ भाई, अरे हेलो भाई, तुमने मशीन ऑन करी क्या? तुमने मशीन ऑन करी? हाँ हाँ, मतलब हमने करा था, कुछ ट्राई किया था। यस यस यस, मेरे को भाई पूरी धरती हिल गई थी इस मशीन के ऑन होने से। हाँ भाई, मुझे पता चला था, वाइब्रेशन हुआ है ना, खतरनाक। कहाँ हो भाई, तुम कहाँ पे हो अभी? भाई मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ के गया था, आप आना कहाँ है यहाँ से? रुको रुको रुको, एक काम करता हूँ, मैं लेने आता तुमको। ठीक है जल्दी आओ भाई, यहाँ से कितनी दूर और जाना है? पास में, पास में, रुको मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है जल्दी आओ जल्दी आओ। और एक बात बताओ, वहाँ पे क्या क्या हुआ? अरे यार भाई ऋषभ, ये पकड़ा नहीं भाई, ये तो मैं तुम्हें बताने भूल गया, जो फेक टैडी है ना, वो सच में हमारी टीम में है। What? वो बता, हम पे हमला क्यों कर रहा था? क्यों? वो हम पे हमला इसलिए कर रहा था क्योंकि तब उसके आसपास मल्टीवर्स हीरो ब्राइन था। देखो फर्स्ट टाइम उसने हम पे हमला इसलिए किया था क्योंकि मल्टीवर्स हीरो ब्राइन ने उसे हम पे हमला करने भेजा था, ठीक है, तो उसे मजबूरी में हमला करना पड़ा। और अभी मैं जब गया ना, तो उसने जब तक मैं टैडी एसएमपी के आसपास था तब तक तो उसने मेरे पे हमला किया, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे रुक गया और उसने सब कुछ मेरे को बताया कि आखिर वो ऐसे क्यों कर रहा था, मतलब कि वो हमारी टीम में बस मल्टीवर्स हीरो ब्राइन को दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा था, मतलब कि हम पे हमला कर रहा था। ओके, ऐसी बात है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जाना है? ये पानी के अंदर क्यों आए भाई? भाई पूरा का पूरा सीक्रेट बेस डिस्ट्रॉय हो गया। चलो चलो चलो, लेट्स गो। हाई एनचेंटेड गोल्डन एप्पल की वजह से मैं बचा हुआ हूँ, ठीक है। ये रहा, ओ भाई भाई, यही है क्या वो मशीन? चलो फिर फटाफट ऑन करो इसको, निकलते हैं यहाँ से और सुपर कंप्यूटर को जाके डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके लिए हमको चाहिए होंगे बहुत सारे टीएनटी। साइंटिस्ट तुम्हारे पास टीएनटी है? निकालो फिर जल्दी जल्दी, तो जल्दी। साइंटिस्ट एक बात बताओ, अगर हम इस मशीन की मदद से सुपर कंप्यूटर के पास गए, ठीक है, और हम उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हो और तभी किसी ने आके इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या हम वापस आ जाएंगे तुरंत के तुरंत? यार शेट, ये तो दिक्कत होगी भाई। ऋषभ और पांडा, हाँ हाँ भाई, भाई अब तुम्हें यहाँ पे रुक के इस मशीन की रखवाली करनी पड़ेगी जब तक कि हम उस सुपर कंप्यूटर को नहीं तोड़ देते। अरे लेकिन वहाँ पर भी खतरा तो हो सकता है ना, तो एक काम करो तुम दोनों चले जाओ, मैं इस मशीन की रखवाली कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दो जनों का होना जरूरी है, तुम्हें तो पता ही है सामने एंटिटीज है, और अगर कोई भी एंटिटी आता ना, हीरो ब्राइन या फिर डेड लॉर्ड, ठीक है, तो तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, ठीक है, तुम्हें बस उसको थोड़ा उसका टाइम वेस्ट करवाना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे को टीएनटी मिल चुके हैं, ओके लेट्स गो। ठीक है, ये लो फ्लिंट। ठीक है फ्लिंट भी, हाँ फ्लिंट एंड स्टील, ठीक है। तो चलो फिर साइंटिस्ट हमें लेके चलो फटाफट, ये सब सामान तुम रखो, क्या पता तुम्हारे कुछ काम आ जाए, ठीक है। बाकी ये भी रख लो क्योंकि वहाँ पे तो शायद कम खतरा होगा, बट यहाँ पे हो सकता है अगर वो कोई आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये भी रख लो तुम, ये क्या पता तुम्हारे कुछ काम आ जाए। ओके ठीक है, मैं बस इतना सामान लेके जा रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो साइंटिस्ट इसको ऑन करो जल्दी, फटाफट निकलते हैं। साइंटिस्ट मशीन ऑन है क्या? जाऊँ मैं? ठीक है, 3 2 1 लेट्स गो। अरे भाई फाइनली ये सब आ गए सुपर कंप्यूटर के पास, लेकिन साइंटिस्ट कहाँ है? साइंटिस्ट, ओ साइंटिस्ट तुम भी आ गई, चलो फटाफट डिस्ट्रॉय करते हैं। सुनो तुम नीचे जाके नीचे वाली वायरिंग तोड़ो और मैं ऊपर वाली वायरिंग तोड़ता हूँ, ठीक है, जल्दी करो इससे पहले कोई आए। लेट्स गो। तो चलो गाइस, भाई मेरे को देख कितनी वाला, यस हम सुपर कंप्यूटर को तोड़ने वाले हैं। और भाई लास्ट टाइम ये जो डेड लॉर्ड ने तोड़ा था, इसी की वजह से भाई हमारा गेम से एक्सेस नहीं गया, वरना भाई ये सुपर कंप्यूटर अगर बिना टूटे ऑन होता ना भाई, तो भाई ना हमारा गेम से एक्सेस रहता और ना एंटिटीज हमें जानते, वो तो डेड लॉर्ड की वजह से भाई हमारा गेम से एक्सेस नहीं गया, लेकिन एंटिटीज हमको भूल गए सिर्फ इसी की वजह से। तो चलो गाइस मैं अब इसको ब्लास्ट करने वाला हूं, एंड लेट्स गो। पूरी वायरिंग तोड़ दी भाई, अभी तो इसको पूरा और डिस्ट्रॉय करना है। तो चलो गाइस अब मैं यहां पे भी टीएनटी लगा देता हूं, एंड लेट्स गो। यस ये मैंने लगाया, एंड ओ वो कौन है? मल्टीवर्स हीरो ब्राइन, जल्दी मेरे को साइंटिस्ट को जाके बचाना पड़ेगा, कहीं उसको कुछ आ जाए। साइंटिस्ट बस यहीं पे रहो भाई, यस सुपर कंप्यूटर बंद हो गया, लेट्स गो, मतलब वो हुआ रहे एंटिटीज को याद आ जाएगा हम कौन है। लेकिन भाई ये मल्टीवर्स हीरो ब्राइन आ गया, व्हाट भाई, ये बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। साइंटिस्ट इधर आओ जल्दी, इधर आओ साइंटिस्ट, इधर आओ जल्दी, मेरे पीछे रहना, ठीक है। कोई तरीका है जिससे हम वापस आ सकते हैं? हमारा काम हो चुका है, हमें निकलना है। क्या कोई तरीका ही नहीं निकाला तुमने?
भाई हम आ तो गए जाएगी कैसे शिट। अरे यार ये अब हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा भाई, अब हमको बचाएगा कौन साइंटिस्ट यार, कुछ तो करे यार तुमने, कुछ तो सोचा होगा भाई, ये मार देगा हमें मार देगा, इसको गुस्सा रहा है, हमने इसका प्लान फेल कर दिया, मेरे पीछे रहना फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं भाई। नहीं यार ये बहुत ज्यादा गुस्से में, अब हमें बचाएगा कौन, हमारे एंटिटीज को पता नहीं कब तक याद आएगा, और क्या पता वो हमें यहाँ पे बचाने भी आए या फिर नहीं। भाई यार ये बहुत गुस्से में लग रहा है, अब करे तो करे क्या, कुछ तरीका ही नहीं बचा। लेकिन एक सेकंड, अपनी लाइटिंग क्यों रोक दी, क्या ये हमको वापिस से अपनी टीम में लेने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने मल्टीवर्स ट्रैवल किया, मैं वापिस आया, मैं कभी इससे लड़ रहा हूँ कभी उससे लड़ रहा हूँ कि बस एक बार इस सुपर कंप्यूटर तक पहुंच के इसको डिस्ट्रॉय कर दूं। वो तो यार शुक्र मनाओ साइंटिस्ट का जिसने हमारी इतनी मदद करी, साइंटिस्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो हीरो ब्राइन अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है, और अब टाइम आ चुका है इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करने का, तो तैयार हो जाओ गाइस, अब इस बैटल को हम बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं, लेट्स गो, लेके चलो वापिस से हमें टेडी एसएमपी में।